विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही बीजेपी की ओर से 41 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि 1 अक्टूबर को जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में ही इन 41 नामों पर फैसला है वह ले लिया गया है। पहली सूची की अगर बात की जाए तो 7 सांसदों को एमएलए के टिकट के लिए सूची में शामिल किया गया है, तो वहीं राजस्थान की दिग्गज नेता वसुंधरा राजे को पहली सूची में जगह नहीं मिली है। वसुंधरा राजे का पहली सूची में शामिल नहीं होना कहीं ना कहीं प्रदेश के सियासी गलियारों में एक चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि बीजेपी के कई दिग्गज नेता हैं जिनका पहली सूची में नाम शामिल नहीं है, लेकिन 3 ऐसे दिग्गज नेता हैं जिनका नाम पहली सूची में शामिल किया गया है, जिसमें सांसद दिया कुमारी हैं, सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं और सांसद किरोड़ी लाल मीणा है। इन तीनों को ही बीजेपी की पहली सूची में शामिल किया गया है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनावों की चुनाव आयोग से की ओर से घोषणा की गई है और 23 नवंबर को राजस्थान में विधानसभा चुनाव होंगे, 3 दिसंबर को मतगणना होगी। ऐसे में 3 दिसंबर को पता पड़ जाएगा कि कांग्रेस अपने वादों के दम पर जो वापस सरकार को रिपीट करने का दावा कर रही है, ये दावा उनका सही साबित होता है या फिर बीजेपी परिवर्तन संकल्प यात्रा के जरिए राजस्थान में परिवर्तन की बहार लाएगी, ये भी देखना होगा। सूची है वो सूची हम आपसे साझा कर लेते हैं। गंगानगर से जयदीप बिहाणी को बीजेपी ने अपना एमएलए का उम्मीदवार बनाया है, उनका नाम फाइनल किया गया है। तो वहीं भादरा से संजीव बेनीवाल, डूंगरगढ़ से तारा सारस्वत, इसके साथ ही सुजानगढ़ से संतोष मेघवाल, झुंझुनू से बबलू चौधरी, मंडावा से नरेंद्र कुमार जो सांसद है उनको टिकट दिया गया है, नवलगढ़ से विक्रम सिंह जाखल को बीजेपी की ओर से टिकट दिया गया है, उदयपुर वाटी से शुभकरण चौधरी, फतेहपुर से श्रवण चौधरी, लक्ष्मणगढ़ से सुभाष नहरिया, दातारामगढ़ से गजानन कुमावत, कोटपुतली से हंसराज पटेल गुजर, दूदू से प्रेमचंद बैरवा, झोटवाड़ा से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ सांसद हैं जो कि, इसके साथ ही विद्याधानगर से दिया कुमारी, राजसमंद से सांसद हैं दिया कुमारी, उनको टिकट दिया गया है, बस्सी से चंद्रमोहन मीणा को यहां पर टिकट दिया गया है जो रिटायर्ड आईएएस अधिकारी रहे हैं, इसके साथ ही तिजारा से बाबा बालकनाथ भी वर्तमान में सांसद हैं, बानसूर से देवी सिंह शेखावत, अलवर ग्रामीण से जयराम जाटव, नगर से जवाहर सिंह बेड़म, वैर से बहादुर सिंह कोहली, हिंडौन से राजकुमारी जाटव, सपोटरा से हंसराज मीणा, बांदीकुई से भागचंद डाकरा, लालसोट से रामविलास मीणा, बावनवास से राजेंद्र मीणा, सवाईमाधोपुर से किरोड़ी लाल मीणा भी सांसद हैं, उनको यहां से टिकट दिया गया है, देवली उनियारा से विजय बैसला। देवली उनियारा पर एक बड़ा दाव यहां पर बीजेपी ने खेला है क्योंकि जो कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला हैं उनके ये बेटे हैं और उनको यहां पर टिकट दिया गया है। वहीं किशनगढ़ से भागीरथ चौधरी सांसद हैं, भागीरथ चौधरी भी, केकड़ी से शत्रुघ्न गौतम, बिलाड़ा से अर्जुन लाल गर्ग, बायतू से बालाराम मूल, सांचौर से देवजी पटेल भी सांसद हैं, उनको टिकट दिया गया है, खेरवाड़ा से नानालाल आहारी, डूंगरपुर से बंसीलाल कटारा, सागवाड़ा से शंकर डेचा, चौरासी से सुशील कटारा, बागीदौरा से कृष्णा कटारा, कुशलगढ़ से भीमा भाई डामोर, मांडन से उदयलाल भड़ाना और सहाड़ा से लाल पितलिया को यहां पर टिकट दिया गया। देखिए 41 नामों की यहां पर घोषणा कर दी गई है। पिछले कुछ दिनों से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे बीजेपी की ओर से इस सूची में 7 सांसदों को टिकट दिया गया है, लेकिन वसुंधरा राजे का नाम पहली सूची में शामिल नहीं है। हालांकि कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जिनका नाम अभी पहली सूची में शामिल नहीं है, जिसमें राजेंद्र राठौड़ हो गए, वासुदेव देवनानी हो गए, वसुंधरा राजे हो गए, इसके अलावा अन्य जो दिग्गज हैं उनका नाम भी पहली सूची में शामिल नहीं है। लेकिन अगर दिग्गज नेताओं की बात की जाए तो वसुंधरा राजे, कयास ये लगाए जा रहे थे कि पहली सूची में ही वसुंधरा राजे का नाम शामिल होगा, लेकिन उनका नाम शामिल नहीं है। तो वहीं दूसरी ओर दिया कुमारी का नाम यहाँ पर शामिल किया गया है। अगर पिछले कुछ समय से बात की जाए राजस्थान में मुख्यमंत्री के चेहरे की, तो दिया कुमारी को सबसे आगे रखकर देखा जा रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की कुछ सभाओं में लगातार दिया कुमारी को तवज्जो दी जा रही थी और कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे को उपेक्षा का शिकार होना पड़ रहा था। ऐसे में
बीजेपी ने पहली सूची जारी कर दी है और अपना जो पहला कार्ड है वह भी यहाँ पर खोल दिया है। लेकिन वसुंधरा राजे का नाम नहीं होना इस सूची में कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बन रहा है। आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज़, मैं हूँ ललित वर्मा।